फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ, ये देखिए दाल इस तरह की बना रही हूँ। इसमें मैं ये राहर की दाल बना रही हूँ, ये देखिए मैंने धो के रखी है। और इसमें मैंने आम डाला है, आम का अचार जो है ना वो उसकी फांक डाली है मसाले सहित। बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी बहुत टेस्टी लगती है। आप भी बना के देखना कभी, आम का अचार का ये फांक डाल के मसाले सहित डाल के बना के देखना। ये देखिए इसके साथ मैं ये दाल डाल रही हूँ, ये अरहर की दाल है। दाल चावल तो हम लोग रोज ही खाते हैं, हम लोग की आदत है, हमारे घर में दाल रोज बनती है। और ये मैंने दाल डाल दी है और अब इसमें मैं नमक और हल्दी डाल के इसे बंद कर दूंगी। अब ये इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और इसमें हल्दी डाल दूंगी। और अचार से बहुत ही जब उबलेगी दाल तो टेस्ट आ जाएगा पूरा अचार का। और खट्टी खट्टी दाल बहुत टेस्टी लगती है, वैसे भी ठंड है तो ठंड में अच्छा लगता है, खट्टा मीठा खाना अच्छा लगता है। तो ये मैंने डाल दिया है, अब ये खोलेगी तो मैं इसे पैक कर दूंगी और 3-4 सीटी बनने के बाद उतार दूंगी। और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी, आज बना रही हूँ ये पत्ता गोभी है, मैंने काट के रखी है, धो के काट के ये पानी निथरने के लिए रखी हुई है। और इसमें मैं मटर डालूंगी, और मटर ये आलू है, आलू भी काट के धो के रख दिए हैं। और धनिया है, हरा धनिया पत्ती है, टमाटर है। और ये टमाटर दो चीज़ के लिए हैं, दाल में तड़का भी लगाऊंगी इसका, और धनिया और टमाटर उसमें भी डालूंगी थोड़ा, और थोड़ा इसमें डालूंगी। और एक चीज़ ये मैं डालती हूँ, आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो ये देखिए मैं ये डालती हूँ, इसमें पुदीना के पत्ते हैं, ये देखिए पुदीना के पत्ते हैं, ये मैंने धो के साफ करके रखे हैं। और इसे ऐसे कट करके इसे पूरा ऐसे कट कर लूँगी, हाथ से ऐसे कट कर लूँगी और सब्जी में डालूंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक तो हाजमा सही रहता है, पुदीना तो हाजमा सही रखता है, चटनी वगैरह भी बना के अपन जैसे खाते हैं तो पेट सही रहता है, गैस नहीं बनती है। और सब्जी हम फ्राई कर करके बनाते हैं तो वो उसमें भी हाजमा सही रखता है, इसलिए पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है पुदीना पत्ता। तो मैं ये डाल के बनाती हूँ। और आप लोग भी मटर डाल के कभी, फूल गोभी में तो हम लोग अक्सर ही फूल गोभी मटर आलू की सब्जी बनाते ही रहते हैं, लेकिन पत्ता गोभी की सब्जी में आप लोग मटर डालते हैं नहीं डालते हैं, एक बार आप लोग डाल के बना के खाइएगा, अच्छा लगेगा। और मुझे बताइएगा किसने किसने पत्ता गोभी में मटर डाल के बनाया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। मैं सब्जी बना रही हूँ, पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अभी मैं जीरा डाल रही हूँ, देखिए जीरा डाल रही हूँ, साथ में प्याज डाल रही हूँ, जीरा बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत तेज गरम है तेल, बहुत सरसों का तेल है ना, इसलिए गरम करना ही पड़ता है, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाती है सरसों के तेल की। अब इसमें डालती हूँ हल्दी, डाल देती हूँ हल्दी डाल देती हूँ, उसके बाद फिर डालती हूँ ये पुदीना के पत्ते डाली हैं, ये सारे डाल देती हूँ, टेस्ट आएगा स्वाद आएगा। और अब डाल रही हूँ आलू, आलू पड़ गए, मटर पड़ गए, अब ये पत्ता गोभी डाल दूँ, बारीक कटी हुई है ये मैं खुद ही काटती हूँ, एक एक पत्ता हटा के काटती हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े वेड़े का डर रहता है, इसलिए मैं एक एक पत्ता हटा के काटती हूँ। इसमें भी गिर गई थोड़ी, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि ये अंदर थोड़ा दब जाए। अब ये मैंने पूरी सब्जी डाल दी, मिक्स कर दिया सब कुछ, अब इसको थोड़ा भूजूंगी, इसको फ्राई होने दूंगी, भुन जाएगी पक जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी सब्जी बन गई, देखिए पत्ता गोभी आलू मटर टमाटर सब डला है, देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ, हरा धनिया डाल देती हूँ,
और इसे मैं शिफ्ट कर देती हूँ डोंगे में। और ये मैंने ये भी बना लिया है इस बीच में, ये दही में बूंदी का रायता डाल दिया है, इसमें धनिया डाला है, वो पुदीना पत्ता डाला है, नमक डाला है, जीरा डाला है, थोड़ा गल जाए उसके बाद ये खाते हैं। तो अब मैं सब्जी शिफ्ट कर रही हूँ और अब आप भी बनाइए खाइए। और मटर वाली सब्जी पत्ता गोभी किसने किसने बनाई है कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिए कमेंट करिए। और बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।